अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ऐसी तीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपकी YouTube पर वीडियो वायरल नहीं हुई, अगर आप न्यू वीडियो क्रिएटर हैं या आप वीडियो अपलोड कर करके थक गए हैं, आपकी ओल्ड वीडियो पड़ी हैं, अगर आप उन तीन ट्रिक्स को अपनी ओल्ड वीडियो या न्यू वीडियो किसी भी वीडियो में आप यूज़ करेंगे ना, तो आपकी वीडियो को YouTube भी वायरल होने से नहीं रोक सकता। बशर्त यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और स्किप करके नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आप इन तीन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप YouTube पर ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार तो कैंडली फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, हम अपनी पहली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, आप जो भी आपका टॉपिक है और आप उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हो, आपने उस वीडियो को खुद वाच करना है। खुद अपने उसी चैनल से वाच नहीं करना, आपने एक दो और फेक ईमेल बना लेनी है, ठीक है। उसका अकाउंट आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो भी अपनी वीडियो का टाइटल दिया हो ना, वो यहाँ पर सर्च कर लें। मिसाल के तौर पर व्यूज़ कैसे बनाएं, ये मैंने सर्च कर लिया, व्यूज़ कैसे बनाएं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। ऊपर फिल्टर का ऑप्शन आएगा, आपने फिल्टर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एनी टाइम पर क्लिक कर देना है। जब आप एनी टाइम पर क्लिक करोगे, आपने जो वीडियो अपलोड की हो उसी टाइम आपको अपना दूसरा ईमेल अकाउंट लॉगिन करके उससे वॉच करनी है। आपने लास्ट हॉर्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे अप्लाई आएगी, उस पर अप्लाई पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। जब आपकी वीडियो आप यहाँ से ढूंढेंगे, ये काफ़ी वीडियो एक घंटे के अंदर अपलोड की होंगी लोगों ने, लेकिन जब भी आप अपनी वीडियो पर इतनी वीडियो देख कर नीचे आ जाएगी आपकी वीडियो, आप क्लिक करोगे उस पर ना, तो YouTube ये समझेगा कि भाई इतनी वीडियो छोड़कर ये इस वीडियो को देख रहा है, कुछ तो इस वीडियो में है, तो वो आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली उनका इंप्रेशन और लोगों के पास भेजेगा। आपने अपनी वीडियो फुल करके फिर आपने लाइक भी कर देना है। उसके बाद चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो आपने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है, आपने अपनी वीडियो पर क्लिक करना है जो आपने वीडियो अपलोड की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो YouTube दिखाएगा रैंकिंग बाय व्यूज, यहाँ आपकी जो वो दिखा रहा है कि 1 of 10, ठीक है, यहाँ पर वो आप दिखा रहा है आपने जो पीछे 10 वीडियो अपलोड किए हैं ना, 10 वीडियो अपलोड किए हैं, तो ये वाली वीडियो आपकी नंबर 1 पर आ रही है, इस पर व्यूज आ रहे हैं। और आपको यहाँ पर व्यूज़ के जो एरो के निशान है वो दिखाएगा कि भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर ये एरो के निशान नीचे की तरफ आए और यहाँ पर 1 of 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 9 या 8 of 10 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी वीडियो जो आपने पीछे 10 वीडियो अपलोड किए हैं उनसे भी नीचे जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपने सिंपली गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने एनालिटिक्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आपने रीच पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि YouTube इंप्रेशन तो आपकी वीडियो का भेज रहा है, लेकिन लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, आपको फटाफट भाई थंबनेल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंप्रेशन भेजने के बाद अगर आपकी वीडियो लोग नहीं देख रहे, तो इसका मतलब यह है कि भाई आपका जो थंबनेल है वो फ्लॉप है, वो नकारा है। तो आपको फौरन ही एक और थंबनेल अच्छा सा HD क्रिएट करके आपको जो है वो वहाँ पर अपनी वीडियो पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो नीचे आते हैं YouTube सर्च ट्रेंड। तो यहाँ पर YouTube आपको जो कीवर्ड सजेस्ट करता है, आपने फौरन ये कीवर्ड जो है कॉपी करके अपनी वीडियो के टैग्स और डिस्क्रिप्शन में फौरी तौर पर डालने होंगे, तब जाकर आपकी वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरी और लास्ट ट्रिक है, आपने vidIQ ऐप को डाउनलोड अपने मोबाइल में लाजमी करके रखना है, अगर आप YouTube यूज़र हो, YouTube की वीडियो बनाते हो तो, ठीक है। जब vidIQ ओपन हो जाएगी, जब आप vidIQ को यहाँ पर ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है डेली आइडियाज, आपको 3 वीडियो के आइडियाज़ देता है vidIQ, ठीक है। ये मुझे उसने पहला आइडियाज़ दिया है कि YouTube आपकी वीडियो इस वक्त वायरल करता है, हाउ टू ग्रो डेड YouTube चैनल, ठीक है। उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि भाई इस पर वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये दूसरा उसने मुझे सजेस्ट किया है ग्रो चैनल फास्ट 2022 गेट फ्री सब्सक्राइबर एंड वाच टाइम। तो उसने ये दूसरा मुझे आइडिया दिया कि भाई इस पर भी आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, ठीक है। जब भी आप अपनी वीडियो अपलोड करें तो आप प्राइवेट या अनलिस्ट करके पोस्ट किया करें। उसके बाद आप अपनी वीडियो में आकर, वीडियो में जब आप आओगे तो यहाँ पर ये जो टैग्स मैंने लगाए हुए हैं, ये मैंने खुद से टैग्स सजेस्ट नहीं किया, यहाँ पर ये vidIQ आपको नीचे से खुद टैग सजेस्ट करके देता है कि भाई ये टैग्स लगाओ, आपकी वीडियो वायरल होगी। उसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पर देखें तो मैंने काफ़ी सारे जो है कीवर्ड्स ऐड किए हैं, तो ये भी मुझे YouTube भी सजेस्ट करके देता है नीचे डिस्क्रिप्शन में कि भाई ये कीवर्ड्स लगाओ, आपकी वीडियो वायरल होगी। यहाँ पर आप वीडियो का SEO स्कोर भी देख सकते हैं, 46 है इस वक्त मेरा जो SEO स्कोर है, तो ये वायरल होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो ना कीवर्ड्स देते हो ना टैग्स देते हो, तो आपको कैसा पता चलेगा कि भाई आपकी वीडियो की SEO कितने परसेंट है। तो आप vidIQ को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर रिसर्च कीवर्ड, आप कोई भी रिसर्च कीवर्ड, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर करता हूँ हाउ टू गेट सब्सक्राइबर ऑन YouTube फास्ट, ठीक है, बता रहा है उसका सर्च वॉल्यूम के भाई 68% है और कंपटीशन मीडियम है। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर उसका सर्च वॉल्यूम आपको दिखेगा कि भाई किस कीवर्ड्स पर ज़्यादा सर्च आ रहे हैं, तो आपने वो अपने टाइटल में जो है कीवर्ड्स लगाना है। उसके बाद आप कंपटीशन भी देख सकते हैं, इन तीनों का मीडियम है। तो आप ये vidIQ से भी सेटिंग और SEO कर सकते हैं, आपकी वीडियो के 100% वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक यू।